हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लेकर के आए एक शॉर्ट ट्रिक, और आज की जो शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट से जो सीरीज बनती है, उस सीरीज का सम 15 सेकंड्स में बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ट्रिक का यूज करके इन क्वेश्चन का हम आंसर फाइंड करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज एंड द सीरीज इज 10C0, 9C6 प्लस 10C1, 9C5, 10C2, 9C4 अप टू 10C6 मल्टीप्लाई बाई 9C0। हमें यहां पर इस सीरीज का सम फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉपर मेथड बहुत डिफिकल्ट होता है, लेंथी होता है, ट्रिक से बड़ी आसानी से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे आंसर, इसे दो चीज चेक करते हैं। पहला तो ये, अब यहां पर देखिएगा, ये जो 0 और 6 है, इसका सम कितना है 6, 1 और 5 का सम भी कितना है 6, 2 प्लस 4 भी कितना होगा 6, 3 प्लस 3 भी 6 होगा, 5 प्लस 1 भी 6 है, एंड 6 प्लस 0 भी कितना है 6 है। तो जितना भी सम यहां पर आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। दूसरी बात, आप यहां पर देखिए, 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 9 19, 10 प्लस 9 19, जितने भी टर्म्स हैं इन सभी में यहां पर सम भी कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हम पहले सीरीज में यही चेक करते हैं कि सम कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ऊपर जब हमने सम किया हमें मिला 19, और जब हमने यहां पर इन टर्म्स का सम किया कितना मिला हमें यहां पर 6, तो हम बोल सकते हैं कि जो सीरीज है, इस सीरीज का सम यहां पर कितना होगा, ये सम यहां पर होगा 19C6, ये इस सीरीज का यहां पर सम हो जाएगा। कितनी इजी ट्रिक है, 15 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको, 10 सेकंड्स में आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी ट्रिक, ऐसे इक्वेशंस आपके जेई एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां पर जो नंबर है इनका सम कांस्टेंट होना चाहिए, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो उसे हम कांस्टेंट बना देते हैं। तो अभी तो यहां पर कांस्टेंट है 6, यहां पर भी 6 है, जितने भी टर्म्स हैं सभी जगह पर 6 है। ऐसे ही जब इनका नंबर का आप सम कर रहे हैं तो 19, जितने भी टर्म्स हैं सभी में सम कितना आ रहा है 19, तो इसका आंसर होगा 19C6 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 15C0, 15C1, 15C1, 15C2। अब आप देखिएगा, यहां पर 0 प्लस 1 करेंगे 1 मिलेगा, बट 1 प्लस 2 करेंगे 3 मिलेगा। तो अब यहां पर इन नंबर का सम जो है कांस्टेंट नहीं है, तो अगर कांस्टेंट नहीं है फिर ट्रिक का कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो सीरीज आपको गिवन है इस सीरीज का जनरल टर्म लिखिए। तो जो सीरीज आपको गिवन है इस सीरीज का जनरल टर्म होगा 15CR एंड 15CR प्लस 1, ये होगा इस सीरीज का जनरल टर्म। R का वैल्यू 0 से लेकर के 49 तक वेरी करेगा। क्लियर, सम अभी यहां पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि सम करने पर 2R प्लस 1 आता है, R वेरिएबल है। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इस R को हटा देते हैं, बड़ा आसान तरीका है। NCR को आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं NC N माइनस R करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15CR प्लस 1 एज इट इज। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तब आप देखिए, इन दोनों को ऐड करने पर R से R क्या होगा, कैंसिल। हम यही चाहते थे कि सम हमेशा कांस्टेंट आए, मतलब वो वेरिएबल R पर डिपेंड नहीं करे। तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर R से R कैंसिल होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 50 प्लस 50 100 सी, R से R कैंसिल एंड 50 प्लस 1 51। सो द आंसर इज 100 सी, 51 इज द करेक्ट आंसर, 100 सी 51 इज द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको जो सीरीज गिवन है इसका आप लिखिए जनरल टर्म, जनरल टर्म में अभी आपके पास में यहां पर वेरिएबल आर आ रहा है, हम इस वेरिएबल आर को हटा देंगे। उसके लिए मैंने यहां पर क्या किया, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब जैसे आप इन दोनों को प्लस करेंगे आपके पास आर से आर कैंसिल, आंसर होगा 100C51, ये सीरीज का सम आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब हमें यहां पर इस सीरीज का वैल्यू फाइंड करना है, यहां पर इस सब जगह n है, NC0, NC2, NC1, NC3। देखिए 0 प्लस 2 2 हो जाएगा,
1+3=4, 2+4=6। तो ये सम यहां पर कांस्टेंट नहीं है। अगर सम कांस्टेंट नहीं है तो सबसे पहले आप लिखिए इसके अंदर जनरल टर्म, लिखते हैं जनरल टर्म। नाउ द जनरल टर्म इज सी आर एंड सी आर प्लस टू, यहां पर n है ये, एन सी आर एंड एन सी आर प्लस टू, ये आपको मिलेगी यहां पर जनरल टर्म। आर वेरी करेगा जीरो से लेकर के, कहां तक आपको ले लेना है यहां पर, जो आर है यहां पर ये आर जीरो से लेकर के वेरी करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो एनसीआर और कितना हो जाएगा एनसीआर प्लस टू। आपने आर का वैल्यू जीरो पुट किया, आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, आर वन पुट करेंगे आपको सेकंड टर्म मिलेगा, इससे अपने ऊपर टर्म्स मिलती जाएंगी। बट प्रॉब्लम यह है कि जब इसको प्लस करेंगे तो हमें टू आर प्लस टू मिलेगा, एंड आर इज वेरिएबल, कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट बनाते हैं, सेम उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आप एनसीआर को लिखिए एनसीएन माइनस आर, ये यहां पर आपको मिलेगा एनसीआर प्लस टू। यस, आंसर आ गया हमारा, क्योंकि जैसा आप इसको ऐड करोगे आर से आर कैंसिल, वेरिएबल टर्म यहां से हट जाएगी और सम आपको ऑलवेज कॉन्स्टेंट मिलेगा। सो द फाइनल आंसर इज 2nc n, ऐड कर दिया हमने यहां पर n प्लस टू, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट अभी आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, अभी यहां पर कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। आंसर आ गया हमारा, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन मैच करवाते हैं। तो ऑप्शन मैच करवाने के लिए वापस ये प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी, 2nc, हम ncr लिखें या ncn माइनस r लिखें, एक ही बात होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2n माइनस n प्लस 2 करके, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन दिस इज इक्वल टू 2nc n माइनस 2। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को वेरी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके जेई एग्जामिनेशन में आते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ सीरीज C0² + C1² + C2² up to C25² इस सीरीज का हमें यहां पर सम फाइंड करना है, ओके? एनी डाउट? और यहां पर जो टर्म्स आपको गिवन है ये 25C0² 25C1² 25C2² and up to 25C25² कैसे करेंगे सॉल्व? अभी हम यहां पर ये जो सीरीज है इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 25C0 25C0 + 25C1 + 25C1। इस सीरीज को हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं अभी 25C25 and 25C25। हमने यहां पर अभी सीरीज को इस वाली फॉर्म में लिख दिया है यहां पर, ओके? एनी डाउट? चलिए जब इसका सम करेंगे आपको मिलेगा जीरो, सम करने पर 1 आएगा, सम करने पर 50 आएगा। तो सम कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहां पर लिखना होगा जनरल टर्म। कैसे लिखेंगे? 25CR × 25CR, ये इस सीरीज का हमने आप लिख दिया जनरल टर्म 25CR and 25CR, एंड द वैल्यू ऑफ R इज वेरी फ्रॉम 0 to 25। आर का जो वैल्यू होगा 0 से 25 तक होगा। ऐड कीजिए, ऐड करने पर यहां से आपको 2R मिलेगा, बट R वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो हमें यहां से R को एलिमिनेट करना है। प्रॉपर्टी यूज करें NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो इसको आप यहां पर लिखिएगा 25 माइनस R एंड 25CR। यहां तक कोई चेंज आपको नहीं करना है, एज इट इज यहां पर आपको ये टर्म लिखनी है। क्लियर? जैसा आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 25 + 25 = 50। यहां पर आप देखिए आर से आर कैंसिल होगा, यहां पर ओनली कितना बचेगा 25। सो द सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 50C 25। तो सीरीज का जो सम है
ये सम इक्वल होगा 50C 25 के। ओके, तो देखा आपने कितना इजिली हमने इन सीरीज का सम यहां पर फाइंड कर लिया है। बिल्कुल इजिली आप सम फाइंड कर सकते हैं, ज्यादा कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, कोई आपको ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये जो सम है ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो आप उसको पहले जनरल टर्म लिखिए और जो वेरिएबल होता है आर इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरीके से आप यहां पर जितने भी इक्वेशंस होंगे उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप सब बच्चों को ट्रिक समझ में आ गई होगी। और ऐसी और बहुत सारी ट्रिक्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की मैं और भी ट्रिक्स आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। ओके डियर, सो थैंक यू वेरी मच।